हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, अर्थात कुछ समय पूर्व ही कार्य के समाप्त होने का भाव प्रकट होता है, अर्थात कार्य को समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में सूर्य निकल आया है, तो ऐसा है, लग रहा है कि सूर्य अभी अभी निकला है। मैं पढ़ चुका हूँ, वे जा चुके हैं, वह खेल चुकी है, तुम चाय पी चुके हो। इन सभी वाक्यों से ऐसा लग रहा है कि कार्य अभी बिल्कुल अभी समाप्त हुआ है। अब देखते हैं कि इस टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों की रचना यानी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो इसमें यह देखते हैं कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सहायक क्रिया हैज लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ सहायक क्रिया हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस प्रकार इस टेंस के वाक्यों की रचना यानी ट्रांसलेशन होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए, सूर्य निकल आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा द सन हैज राइजन। सन चूँकि सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगेगा। इसी प्रकार मैं पढ़ चुका हूँ, तो आई, आई को प्लूरल माना जाता है तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव, और रेड, आई हैव रेड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, तो आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ। वे जा चुके हैं, इसका हो जाएगा दे हैव गॉन। वह खेल चुकी है, इसका हो जाएगा सी हैज प्लेड। तुम चाय पी चुके हो, इसका हो जाएगा यू हैव ड्रंक द टी। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की रचना की जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द नहीं आता है या फिर कोई सवाल नहीं पूछा गया हो, तो इस प्रकार के वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में इन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं, ये कहलाते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस अर्थात नकारात्मक वाक्यों की रचना के बारे में देखते हैं। यहाँ पर नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें नहीं शब्द आता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखिए, वह यहाँ नहीं आया है, तो यहाँ पे नहीं शब्द आया है। तो यहाँ पर जो इसका अनुवाद इस प्रकार करते हैं कि वाक्य रचना वैसे ही होती है जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस की होती है, यहाँ सिर्फ हैज या फिर हैव के साथ नॉट लगा देते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा वह यहाँ नहीं आया है, तो हो जाएगा ही हैज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आया है। यहाँ पर देखिए सिंगुलर करता है तो उसके साथ हैज लगा है, हैज के साथ फिर नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, और हियर यहाँ, वह यहाँ नहीं आया है, सी हैज नॉट कम। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने उसे नहीं देखा है, तो इसका हो जाएगा आई, आई के साथ सहायक क्रिया लगेगी हैव, इसके बाद नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट, और सी का थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव नॉट सीन हिम, उसे, मैंने उसे नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन हिम, यह इसका अनुवाद हो जाएगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की रचना देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य हैं, तो उनकी रचना कैसे करते हैं। यदि इस प्रकार के वाक्य हैं, क्या वह दूध पी चुकी है, यानी इसमें क्या शब्द पहले आया है, तो जब किसी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द पहले आता है तो हैज या हैव, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके पहले हैज आ जाएगा, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके पहले हैव लगा देंगे। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की रचना में हैज पहले या फिर हैव लगाएंगे, फिर कर्ता, और कर्ता के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या वह दूध पी चुकी है, इसका अनुवाद हो जाएगा हैज शी ड्रंक द मिल्क, क्या वह दूध पी चुकी है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, तुमने उसे क्यों मारा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यों शब्द बीच में आया है, तो जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है
तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्यों का हो जाएगा वाई, इसके बाद फिर सहायक क्रिया पहले लिखेंगे तो यहाँ पर सहायक क्रिया हैव होगी, और इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट इत्यादि होगा। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाएगा तुमने उसे क्यों मारा, वाई हैव यू बीटन हिम, तुमने उसे क्यों मारा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है तुमने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई हैव यू नाट लर्नड योर लेसन, तुमने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिन्हें कहते हैं, तो इसमें सिर्फ नाट जो है जोड़ देते हैं जो कि सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तुमने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे वाई हैव यू नाट, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि कर्ता के बाद नाट का प्रयोग हुआ है, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसे कि नकारात्मक वाक्यों में या सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य में लगाया गया है।